नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुरगढ़ को रेलवे मेट्रो सेवा की सौगात दी। यह मेट्रो सेवा गेट ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ शहर को मेट्रो सेवा की सौगात देने के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रिमोट दबा करके शुभारम्भ किया और कुछ देर बाद में हरी झंडी दिखा करके मेट्रो को रवाना किया। मेट्रो के पहले सफर में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भी उपस्थित थे और काफ़ी जन सैलाब भी वहां पर मौजूद था। कई मंत्रीगण भी उपस्थित थे और अधिकारीगण जिन्होंने मेट्रो के इस पहले सफर में अपना सफर भी तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को बधाई दी। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 1,00,000 यात्री इस मेट्रो योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित होते हरियाणा के अंदर जो उद्योग धंधे और नई व्यवस्था जो विकास की बनी है उसमें मेट्रो सेवा का काफी लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था। लोकप्रिय एवं अविरत परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहादुरगढ़ के विधायक भाई नरेश कौशिक जी, वहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो लाइन शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। हरियाणा का बहादुरगढ़ आज दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद अब बहादुरगढ़ हरियाणा का तीसरा बड़ा क्षेत्र है जो दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट हुआ है। आज के इस लोकार्पण के बाद हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 26 किलोमीटर तक पहुंच गई है। साथियों, दिल्ली में चल रही मेट्रो ने किस तरह लोगों का जीवन बदला है उसका गवाह हर वो व्यक्ति है जिसने कभी न कभी इसमें सफर किया है। मैं भी कई बार दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुका हूं। आज से ये अनुभव बहादुरगढ़ मुंडका लाइन पर चलने वाले लोगों को भी मिलने वाला है। विशेषकर बहादुरगढ़ में तेजी के साथ विकसित होते उद्योगों की वजह से काफी अरसे से मेट्रो का इंतजार हो रहा था। बहादुरगढ़ में अनेक कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज भी हैं। दिल्ली से हर रोज अनेक छात्र छात्राएं आवाजाही करते हैं। अब इस क्षेत्र के लाखों उद्यमों को, विद्यार्थियों को, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को दिल्ली आने जाने में और आसानी होगी। ऐसे तो बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, लेकिन ये मेट्रो लाइन यहां डेवलपमेंट का गेटवे बनकर पहुंची है। मेट्रो की वजह से लोगों की सहूलियत बढ़ेगी, नई कॉलोनियां बनेगी, उद्योगों का विस्तार होगा
तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। कनेक्टिविटी का विकास से जो नाता है, इस मेट्रो नेटवर्क को देखकर हम सब इसे भली भांति समझ सकते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में करीब 280 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। जिस तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, बहुत ही जल्द शंघाई, बीजिंग, लंदन और न्यूयॉर्क के बाद दुनिया के पांचवें सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के तौर पर दिल्ली मेट्रो की पहचान होगी। साथियों, जो सपना दिल्ली में साकार हुआ है, अटल इरादों का जो परिणाम आज दिल्ली एनसीआर की जनता देख रही है, वैसा ही प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है। मेट्रो से जुड़े कार्यों में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि हर शहर में पहले अपने अपने तरीके से काम किया जा रहा था। मेट्रो और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए कोई नीति नहीं थी और इसलिए कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, कोई कुछ तय नहीं था। सरकारों की, नेताओं की मर्जी के मुताबिक, स्टेशन और अलग अलग विभागों के हितों के मुताबिक सब निर्णय बिखरे हुए पड़े रहते थे। एक बिखराव महसूस होता है। अब 2017 में देश की पहली मेट्रो पॉलिसी के बना करने के बाद अब इन सब चीजों को एड्रेस किया गया है, इन पर ध्यान दिया गया है। लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और फिर अपने घर या दफ्तर तक पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए शहरों के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब देश में ही कहीं पर भी मेट्रो बने, लेकिन एक तय स्टैंडर्ड पर काम करेंगे। साथियों, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरों में स्मार्ट, सुलभ, सस्ता और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना इस सरकार की प्रतिबद्धता है। आज देश के 12 शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। देश के दूसरे शहरों को भी मेट्रो से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही मेट्रो के डिब्बे भी देश में तैयार करने का काम किया जा रहा है। गुजरात के बड़ौदा में, तमिलनाडु के चेन्नई में आधुनिक प्लांट बनाए गए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को बदला है और लगभग 75% भारत में बना सामान लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, मेट्रो की व्यवस्था हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले कई देशों ने मेट्रो के लिए हमारी मदद की, अब भारत दुनिया के कई देशों को मेट्रो के कोच की सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा है। न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे काम करता है, उसका भी मेट्रो एक जीता जागता सबूत है। आज देश के जिन जिन राज्यों में भी मेट्रो बन रही हैं, वहां केंद्र और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से बन रही है। साथियों, दिल्ली एनसीआर की ही बात करें
तो आज जितना मेट्रो नेटवर्क विकसित हुआ है उसने हर रोज लगभग 6 लाख गाड़ियों की जरूरत को खत्म किया है। मेट्रो ने लोगों का समय बचाया है, पैसा बचाया है और प्रदूषण भी कम करने का काम किया है। मेट्रो के साथ ही सरकार दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था को ही आधुनिक और लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाने का काम कर रही है। दिल्ली को हाई स्पीड रेलवे के माध्यम से सोनीपत, अलवर और मेरठ से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेस वे का एक घेरा बनाकर उस काम को भी पूरा करने के लिए हर कोई संबंधित लोग पुरजोश कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले चरण का यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का कुछ दिन पहले ही मैंने लोकार्पण भी किया था। हरियाणा की तरफ से श्रीमान मनोहरलाल जी ने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भी काम प्रगति पर है ऐसा मुझे बताया है। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ने दिल्ली से होकर गुजरने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों की संख्या को 25 से 30% तक कम किया है। इससे ट्रैफिक पर तो प्रभाव पड़ा ही है, प्रदूषण की एक बड़ी वजह भी कम हुई है। भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया के लिए न्यू और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार का कमिटमेंट है। बीते 4 वर्षों में रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक निवेश किया गया है। करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के कामाख्या तक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। सबसे लंबी सुरंगें हो या फिर सबसे बड़े पुल, एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे किए जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 35,000 किलोमीटर लंबे आधुनिक हाईवे का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में एक तरफ जहां 100 से ज्यादा वाटरवेज देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएंगे, वहीं छोटे छोटे शहरों में विकसित होते एयरपोर्ट लोगों का हौसला आसमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों को 21वीं सदी में आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बनाने में मदद करेंगे। देश के अलग अलग इलाकों में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, संपर्क सुगम होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना ही लोगों का जीवन आसान बनेगा, व्यापार के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। साथियों, सरकार के इन प्रयासों में सामान्य जन आप सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं होता है, यह बहुत आवश्यक है। आइए न्यू इंडिया के लिए बन रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलकर और अधिक प्रयास करें। एक बार फिर हरियाणा और बहादुरगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस कार्य का सबसे अधिक लाभ हमारे नागरिक उठाएं, निजी व्हीकल से जितना जल्द हो सके मुक्ति पाएं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद होशियार सिंह जैसे बहादुरों की जन्मभूमि बहादुरगढ़ की मेट्रो दिल्ली से जोड़ने के इस शुभारंभ के लिए आपने अपने कार्यालय से समय निकालकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शामिल होने के लिए समय निकाला। मैं बहादुरगढ़, झज्जर और रोहतक की जनता तथा हरियाणा सरकार की ओर से आपका, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, ये मेट्रो लाइन
जो बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ेगी, 2 फरवरी 2013 इसका शिलान्यास हुआ था। 11 किलोमीटर की लंबी लाइन 2028 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुई है। यहां से दिल्ली तक आने जाने का एक रास्ता जो बना है, बहादुरगढ़ रोहतक झज्जर की जनता के लिए बहुत ही एक उपयोग इसका होगा। जो लोग आना जाना नहीं भी करेंगे उनके लिए भी ईज ऑफ लिविंग इसका वो अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या से उनको निजात मिलेगा। हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री जी आपका इतना प्रेम है कि आपने कितने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमको जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं, न केवल दिए हैं बल्कि बहुत शीघ्रता से उनको पूरा करने का काम चल रहा है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष आपने दिल्ली से और फरीदाबाद मुजफ्फर तक की लाइन 13 किलोमीटर उसका उद्घाटन किया था, आगे बल्लभगढ़ तक वो बनकर के तैयार होने वाली है। इसी प्रकार हमारा जो 907 किलोमीटर का नौ नेशनल हाईवे का जो एक तोहफा हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से मिला है, और 4 नेशनल हाईवे जिसका चौड़ाकरण का काम चल रहा है, इससे भी हरियाणा की जनता को बहुत लाभ होगा। अभी पिछले दिनों में केजीपी का आपने उद्घाटन किया, 500 दिन के अंदर अंदर उसको तैयार करा करके इतना जल्दी जो आपने काम कराया है, आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति का ये परिचायक है। इसी प्रकार हरियाणा में केजीपी का जो केएमपी का जो रास्ता है, जिसका एक भाग मानेसर से पलवल बनकर चालू हो चुका है, और दूसरा भाग जो अभी कुंडली से और मानेसर तक, ये बहुत जल्दी शीघ्र पूरा होगा। इसका भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका भी उद्घाटन करके हरियाणा की जनता को आप समर्पित करेंगे। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनके प्रपोजल बन गए हैं और जिनके लिए बहुत हमको आशा है कि वो प्रपोजल भी जल्दी तैयार होंगे, क्योंकि दिल्ली हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी नेशनल हाईवे हैं सबके ऊपर मेट्रो अथवा आरआरटीएस जो रीजनल रैपिड मेट्रो सिस्टम है, इसके लिए भी सारी लाइनें जितनी पेंडिंग हैं, प्रपोजल हैं जो तैयार हो गए हैं, वो सबका काम शीघ्रता से हो सके, ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। और मैं आपके बीच में, जनता के बीच में बहुत अधिक समय न बोल करके अब अंत में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हरियाणा की हमारी जनता को आप अपने शब्दों से हमको आशीर्वाद दें, और हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं जो हमारी पेंडिंग है, वो सब आप शीघ्रता से पूरी कराएं, यही निवेदन करते हुए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें।